सोनभद्र में बहुजन समाज पार्टी के एक विशाल चुनावी जनसभा का आयोजन किया। जनसभा में मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल ने भाग लिया और जनसभा को संबोधित किया। सोनभद्र के रॉबर्ट्सगंज स्थित हाइडल मैदान में बहुजन समाज पार्टी की चुनावी जनसभा का आयोजन किया गया। इस सभा की अध्यक्षता रॉबर्ट्सगंज लोकसभा क्षेत्र के प्रत्याशी धनेश्वर गौतम ने की। मुख्य अतिथि विश्वनाथ पाल ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि बहुजन समाज पार्टी पूरे देश में अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ रही है। पाल ने कहा कि बसपा अध्यक्ष मायावती ने अपने शासनकाल में प्रदेश में चौमुखी विकास किया है, जिसमें सबसे ज्यादा नौकरी और रोजगार देने का काम शामिल है। बहुजन समाज पार्टी की इस जनसभा में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए और उन्होंने अपने समर्थन का भरोसा दिलाया। अब देखना होगा कि इस जनसभा का आगामी चुनावों पर कितना प्रभाव पड़ता है। इंडिया कितनी सीट जीतने को बोल रही है? 400 पार का नारा लगा। नहीं नहीं, इंडिया कितनी बोल रही है यूपी में? वो बोल रही है कि 80 सीट जीतेंगे और इंडिया भी कह रही है 80 जीतेंगे। तो पहले चुनाव आयोग और सरकार को सीटें बढ़ा लेनी चाहिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में खाली 80 सीटें ही है कि नहीं है। बहुजन समाज पार्टी इस तरह का खोखला वादा नहीं करती है। निश्चित है कि बहुजन समाज पार्टी जनता के दम पर चुनाव लड़ रही है, जनता के गठबंधन के बल पर चुनाव लड़ रही है। निश्चित है कि उस उत्तर प्रदेश में जहां से प्रधानमंत्री का रास्ता जाता है, जनता के गठबंधन के बल पर इंडिया और इंडिये दोनों को पीछे छोड़ते हुए बहुजन समाज पार्टी बड़े दल के रूप में आएगी। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं। ये है इंदु ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज़। हर पल, हर क्षण, हर सच।